हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? अगर हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई भी मेजरमेंट आप लैब में करते हैं या एक जनरल एक मेजरमेंट करते हैं या किसी चीज की डिस्टेंस बताते हैं, वेट बताते हैं या उसका वॉल्यूम बताते हैं, एनी मेजरमेंट यू टेक, इफ यू टेक सम मेजरमेंट, उसमें से कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिनके बारे में हम कंफर्म होते हैं कि इसमें एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हैं या नहीं है, इतना तो हो गई। तो किसी भी नंबर में जो डिजिट्स जिनके बारे में हम कंफर्म है कि ये डिजिट्स तो कंफर्म है, प्रेजेंट होंगी आंसर में, ठीक है, या जहां तक हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। अगर मैं आपको आप मुझसे टाइम पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ है, मैं अपनी रिस्ट वॉच में देखता हूँ और मैं अपनी रिस्ट वॉच में देख के आपको टाइम बताता हूँ कि जो टाइम हुआ है वो है 10:30:21, ठीक है। तो इसको देख के आप क्या बताएंगे, आर्क्स कितने, 10 मिनट्स कितने, 30 और 21 सेकंड्स है। मतलब ये जो मेजरमेंट हमने किया है, ये इसमें दी हुई फिगर्स के बारे में हम कंफर्म है, श्योर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब इसमें से किसी भी फिगर के बारे में हम अनसर्टेन नहीं है, हमें पता है कि ये हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको टाइम बताता हूँ अपनी रिस्ट वॉच में देख के, अगर मैं आपको टाइम बताता हूँ 10:31:21:00, मतलब आई एम ट्राइंग टू गो फ्रॉम आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड देन मिली सेकेंड्स, राइट। और सेकंड से छोटी यूनिट, पर सेकंड से छोटी यूनिट तो आप रिस्ट वॉच में देख के बता ही नहीं सकते ना। इसका मतलब ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है ये गलत हो गया, मेरा आंसर इतना सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ ही नहीं सकता है। तो इन शॉर्ट छोटी सी बात है, अभी ओवर द एग्जांपल्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि जिन फिगर्स के बारे में हम कंफर्म है कि ये फिगर्स रिजल्ट में हो सकती हैं या है कंफर्म, वो होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो एक बात बताते हैं, आप कहते हो कि आपका फ्रेंड आपके घर से 200 मीटर्स की डिस्टेंस पे रहता है, 200 मीटर्स की डिस्टेंस पे रहता है, तो क्या आपने एग्जैक्टली प्रेशर जो मेजरमेंट है वो किया है क्या? नहीं, आप एक आइडिया लगा रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर पे रहता है। अब 200 जो मैंने लिखा, माय फ्रेंड्स हाउस इज 200 मीटर्स फ्रॉम माय हाउस, अब 200 तो मुझे कंफर्म है, मतलब ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन बाद के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, ये 201 भी तो हो सकता है या 209 भी तो हो सकता है या 250 भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये जो लास्ट वाली दो डिजिट्स हैं इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दीज फिगर्स। हाँ, इतना पता है कि अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर्स है, तो ये डिजिट्स में के बारे में मैं कंफर्म हूं, बाकी दो डिजिट्स के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, तो मैं कहूंगा यहां पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन वाइज जिस डिजिट्स के बारे में किसी भी मेजरमेंट में जितनी डिजिट्स के बारे में आप कंफर्म होते हैं हम उन्हें कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, या जितनी डिजिट्स तक मेजरमेंट वैलिड होता है वहां तक हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट में जो जहां तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं उतनी डिजिट्स जो होती हैं वो डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जांपल, वापस एक मैं रिस्ट वॉच लिया और मेरी रिस्ट वॉच में दो ही मेजरमेंट्स हो सकते हैं, सपोज सेकंड का निडल उसमें है ही नहीं, आर्स का निडल है और मिनट का नहीं, आर्स हैंड इज देयर एंड मिनट हैंड इज देयर, तो मेरा मेजरमेंट में मैक्सिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं जो आर्स को बताएंगी, सपोज 11:55, 11:55 हुए हैं। अगर मैं लिखता हूं 11:55:00, तो ये मेरे केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें सेकेंड्स वाली हैंड है ही नहीं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, धीरे धीरे एग्जांपल्स के साथ सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ डेफिनेशन इतना है कि
कि किसी भी मेजरमेंट में जितनी डिजिट्स को लेके हम कंफर्म होते हैं उन्हें कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, या जितनी डिजिट्स का कोई मीनिंग होता है उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। या ये कह लो कि किसी भी मेजरमेंट में अगर किसी पर्टिकुलर डिजिट्स को रिमूव करने से, किसी भी डिजिट्स को रिमूव करने से या मॉडिफाई करने से अगर वो डिजिट हट जाती है और मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम कहेंगे कि वो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो एक रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर वन, फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है। कोई भी मेजरमेंट अगर लिखा गया है तो उस मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 to 9 तक की जितनी भी डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो क्या हुआ, जैसे यहां पे 253 ये क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 3। 727 नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 3। 499 सभी नॉन जीरो है, सभी नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 4। यहां पे 7722 ऑल नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 4। सिंपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जीरो के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो अब हम 2-3 रूल्स जीरो से रिलेटेड पढ़ेंगे। देयर आर अ फ्यू रूल्स विच वी विल स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू द जीरो। नंबर वन, ऑल ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या है, नाम से पता चलता है ना, ट्रैप हो गई। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाता है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाता है, और इन अदर वर्ड्स दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आ जाता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पे 1 एक नॉन जीरो है मतलब सिग्निफिकेंट होगा, 101 लिखा है, 1 नॉन जीरो यूनिट, 1 ये भी सिग्निफिकेंट होगा। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग 1 क्या है सिग्निफिकेंट, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया जीरो तो ये जीरो भी क्या बन जाएगा, ये जीरो भी क्या बन जाएगा सिग्निफिकेंट बन जाएगा। चलो और देखते हैं 3001, 3 नॉन जीरो मतलब सिग्निफिकेंट, 1 नॉन जीरो मतलब सिग्निफिकेंट, तो दो नॉन जीरो यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ गया तो वो जीरो भी क्या बन जाएगा सिग्निफिकेंट बन जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में 101 में 1 और 1 तो सिग्निफिकेंट थे लेकिन जीरो बीच में आ गया तो जीरो भी क्या बन गया सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 और 1 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू 1 लेकिन इन दोनों के बीच में जो जीरो आ गए वो भी सिग्निफिकेंट बन गए तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 4। ठीक है, नाउ ऑल नॉन जीरो डिजिट्स अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पे देखो 839 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे और इन सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आ गए वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। राइट, तो 1 2 3 तो 3 तो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट और उनके बीच में जो जीरो आया वो भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट यूनिट्स। सिग्निफिकेंट यूनिट्स कितनी हो गई 6 हो गई। 4.01 आर नॉन जीरो मतलब सिग्निफिकेंट और उन सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट यूनिट्स। आगे तो ये है कि अगर कोई भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में जीरो आ जाता है तो वो जीरो भी क्या हो जाता है सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट डिजिट में रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जीरो को अगर आप किसी नंबर के आगे लगा दोगे तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है,
मतलब उन जीरोस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो जाए, जीरो जीरो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, ओनली थ्री एंड वन, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, जीरो जीरो पॉइंट जीरो फोर, जीरो जीरो पॉइंट जीरो फोर, इसमें लीडिंग जीरो है। अगर इसमें लीडिंग जीरो है तो ये लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, ओनली फोर, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर। सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, सिग्निफिकेंट फिगर की स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेशन चेंज करके हटा सकते हैं और फिर भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, 00.04 के वो अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो आई कैन ऑब्वियसली राइट इट एज 4 × 10⁻²। सही है ना, इस नंबर को मैं जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट रेस टू एन, सिंगल डिजिट रेस इंटू 10⁻¹। तो यहां पे मैंने ये दो जीरो है, डेसिमल के पास दो डिजिट है तो 10⁻²। अब जैसे ही मैंने इसको इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, द मोमेंट आई राइट दिस नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट हैपेंस, ये जीरो तो गायब हो गई, ये जीरो गायब हो गए, लेकिन इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। खैर, ये तो हुआ लॉजिकल, हमें तो रूल से याद रखना है। रूल क्या कहता है, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, और अगर कुछ नहीं पहले आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, जीरो एक कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, जब दो नॉन जीरो के बीच में आता है। जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जब वो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आता है, ठीक है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें स्टिल वी हैव वन मोर रूल अबाउट जीरो, ट्रेलिंग जीरो, क्योंकि हमने दो तरह के जीरो की बात की, जीरो बिटवीन नॉन जीरो एंड जीरो बिफोर नॉन जीरो। अब हम बात कर रहे हैं जीरो आफ्टर नॉन जीरो, यानी ट्रेलिंग जीरो, जीरो आफ्टर नॉन जीरो, ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं। तो जब ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, ठीक है। ट्रेल करना है, लेकिन किसके बाद ट्रेल करना है, फोर के बाद दो जीरो आए, तीन जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, फोर के बाद फोर फाइव सिक्स जीरो लगा दिए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद राइट अगर कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट आएगा, भी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, देखना आपने रूल समझ लिया ना। पहला रूल क्या पढ़ा था जीरो के बारे में, जीरो का रूल ये था कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में आया तो सिग्निफिकेंट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद हमने दूसरा रूल पढ़ा कि लीडिंग जीरो, नॉन जीरो से पहले जीरो आई तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगी। अब हम रूल पढ़ रहे हैं कि अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं लेकिन डेसिमल के बाद है, ट्रेलिंग जीरोस हैं लेकिन डेसिमल के बाद है तो वो क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब देखो इसको एग्जांपल देखो, 400 ये ट्रेलिंग जीरोस है, मतलब नॉन जीरो के बाद में आ गए लेकिन डेसिमल नहीं है, डेसिमल का है? डेसिमल नहीं है, मैं तो सिंपल 400 लिखा, तो डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ सिग्निफिकेंट कौन है, फोर। कौन सा सिग्निफिकेंट है, ओनली फोर। सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, वन। सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 439 अभी पढ़ा था, ये तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है, इसमें तो जीरो आ ही नहीं रहा, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलो ठीक है, ये तो ये मैंने 439 क्यों लिखा,
क्योंकि 439 लिखता हूं तो मेरे पास होती है तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, 2, 3 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं, अगर मैं 439 की जगह 439.0 लिख देता हूं, ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम इन कंडीशंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे जनरली पूछता हूं, बताओ 500 और 500.00 में कोई डिफरेंस है क्या? हम कहते हैं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। 500 और 500.00 में मैथमेटिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी वाइज डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट वाइज डिफरेंस है। 439 के अंदर तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन 439.00 डेसिमल के बाद का जीरो, डेसिमल के बाद का जो जीरो वो सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मतलब 439 जो मैंने नंबर लिखा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? थ्री। लेकिन 439.0 लिखेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 4। अगर हम लिखेंगे 509, इफ यू राइट ए नंबर 509 तो जीरो कहां आया? जीरो कहां आया? नॉन जीरो के बीच में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? 3। बट इफ आई राइट 509.00 तो ये दो जीरो कहां, कौन सी जीरो है? ट्रेलिंग जीरो है। और ये ट्रेलिंग जीरो मतलब एंडिंग जीरो, मतलब बाद वाली जीरो किसके बाद आ रही है? डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद आ रही है तो ये क्या बन गई? सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, मैनी ऑफ यू मे फील इट, लेकिन हम इसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ला रहे हैं। जीरो के तीन रूल्स आपने पढ़े, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। शॉर्ट में, जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है? जब या तो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो होता है, या डेसिमल के बाद में आता है तो होता है, ठीक है, समझ लिया ना रूल? जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है? जब दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, और बीच में नहीं आ रहा, लास्ट में आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये जो मेरा रूल है ना डेसिमल के बाद वाला, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा। देखो इधर, चलो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने डिजिट क्या लिखी है यहां पे आपको? मैंने यहां पे डिजिट लिखी है 00.005090। चलो एक एक करके देखते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये दो तो सिग्निफिकेंट है। जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, ये ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आ रही है, ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आ रही है। सिर्फ ट्रेलिंग जीरो नहीं देखना है, डेसिमल भी देखना है। ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट। तो 1, 2, 3, 4 चार तो सिग्निफिकेंट मिल गई। अब बताओ क्या करोगे? ये दो जीरो तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि लीडिंग जीरो है, ठीक है ना, लीडिंग जीरो है तो ये दो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। व्हाट डू यू से अबाउट दीज टू? राइट, क्या लगता है क्या होगा? नंबर वन, हमारा रूल कहता है ट्रेलिंग जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो तो नहीं है। बिटवीन नॉन जीरो, बिटवीन नहीं है। अच्छा, लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये जीरो कौन से हैं? ये जीरोस डेसिमल के बाद के हैं। अरे, डेसिमल के बाद के हैं मतलब सिग्निफिकेंट हो सकते हैं?
डेसिमल के बाद के हैं मतलब सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, गलती कर रहे हो यहां पे, रूल को पूरा समझो। डेसिमल के बाद वाला रूल क्या था, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। पहले ये बताओ ये ट्रेलिंग जीरो है या लीडिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है या लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो है ना, इनके पहले तो कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो ये क्या हुआ लीडिंग जीरो। अब लीडिंग जीरो डेसिमल के बाद आए या पहले आए, लीडिंग जीरो का तो एक ही रूल है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। तो सिर्फ डेसिमल देखना और जीरो को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैंने लिख दिया 0.009, आप कहोगे डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, नहीं होगा भैया ऐसा। हाँ, इसको ऐसे लिख दो 0.0090। ठीक है, अब आप देखो क्या ये ट्रेलिंग जीरो है क्या, नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। डेसिमल का रोल कब आता है, जब वो ट्रेलिंग जीरो होती है। ये ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये क्या हो जाएगा लीडिंग, ये वाला जीरो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। आ रहा है ना समझ में। चलो 90, लीडिंग जीरो है क्या, नहीं, ट्रेलिंग जीरो है क्या, हाँ ट्रेलिंग तो है, ट्रेलिंग तो है, पर क्या डेसिमल के बाद है क्या, नहीं, ट्रेलिंग तो है पर डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रेलिंग तो है पर डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट। क्लासिकल एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल को सोच के बताना क्या होता है। 5.00.00, अब आएगा मजा, वीडियो को पॉज करो और सोचो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। 5.00.00, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो 5, ये तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 0.00 ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरोस है और डेसिमल के बाद भी आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस हैं और डेसिमल के बाद भी आ रहे हैं, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, 3 तो हो गई। व्हाट अबाउट दिस सर, ये तो ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, सर ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों बन गए सिग्निफिकेंट और ये बन गया सिग्निफिकेंट। मैंने आपको पहले से क्या बताया था, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो ये दो जीरो की लॉटरी लग गई, किस्मत से ये सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। अगर ये नंबर 500 होता तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन 500.00 हुआ, डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, तो ये वाली जीरो भी क्या बन गई सिग्निफिकेंट। ये थोड़ा सा टेढ़ा रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, नहीं समझ में आ तो थोड़ा सा बैक जाके एक बार फिर समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया जीरो का रूल। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब आप जब किसी डिजिट को लिखोगे x into 10 raise to the power n, जब आप लिखोगे x into 10 raise to the power n, तो ये n एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जो भी सिग्निफिकेंट फिगर देखना है वो x के अंदर देखना है, और x के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखने के लिए आपके पास पहले के 4 रूल्स हैं। समझ में आ गया। चलो, सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है और ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, बाकी का जो डिजिट बचा है उसको देखो, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2x सिग्निफिकेंट होगा, ट्रेलिंग जीरो है डेसिमल के बाद,
ट्रेडिंग जीरो है डेसिमल के बाद, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। 2.01 तीन डिजिट है, ये नॉन जीरो और नॉन जीरो के बीच वाला जीरो, नॉन जीरो के बीच वाला जीरो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3। लीडिंग जीरो, डेसिमल मत देखो, लीडिंग जीरो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है। जीरो है लेकिन ट्रेलिंग है, जीरो है ट्रेलिंग है और डेसिमल के बाद में भी है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो आप बस ये मत सोचो कि मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए लर्न करने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ दिया, जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन। अभी हम डीपी भी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आपका जो रिजल्ट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्राइटेरिया में सेट होना चाहिए, ठीक है। देखो एक और रूल है जो मैंने यहां लिखा नहीं है, बट आप उसको लिख सकते हो, रूल नंबर 6 करके लिख सकते हो। रूल नंबर 6 आप लिख सकते हो, रूल नंबर सिक्स इज दैट ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज। ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन मतलब किलोग्राम से ग्राम किया, तो जो पहले वाली यूनिट है किलोग्राम, उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ग्राम वाली डिजिट में भी, ग्राम वाली यूनिट में रिप्रेजेंटेशन जब करोगे तब भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.4 किलोग्राम। 1.4 किलोग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो अगर मैं इसको सिंपल मैथमेटिकली करता हूं, 1.4 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब कितना होता है, 10^3 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, मतलब 10^3 ग्राम। 10^3 का मतलब 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 1400, ठीक है। तो मतलब ग्राम चलेगा क्या, चलेगा, ठीक है, ठीक है, 1400 ग्राम, 1.4 × 10^3, ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10^3 ग्राम, चलेगा, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 14 × 10^2 ग्राम, एक ही तो बात है मैथमेटिकली, ये भी चलेगा। अब 14 × 10^2 की जगह लिख दिया 14.00 × 10^2, मैथमेटिकली तो ये भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या आया, ऑल, आंसर क्या आया, ऑल नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर शुड नॉट चेंज। तो ध्यान से देखो, यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, दीज टू आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, पावर तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसको तो छोड़ दो, लेकिन यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, 4, जबकि क्वेश्चन में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, ये नहीं हो सकता। यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, ये हो सकता है। यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 हो गई, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ऑल आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 × 10^2, समझ गए।
रूल नंबर 7, द रूल नंबर 7 इज द प्योर नंबर एंड द कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। प्योर नंबर्स हैव द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या मतलब हुआ, देखो आई हैव वन मार्कर, कितना मार्कर है, वन, तो ये एक प्योर नंबर हो गया, वन मार्कर। अब मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये 1.1 मार्कर भी हो सकता है या 1.001 भी हो सकता है या 1.00001 भी हो सकता है, नहीं, या 1.2 या 1.3 नहीं हो सकता, ये एक यूनिट है, ये एक प्योर नंबर है, ये वन ही रहेगा, इसमें कोई भी इधर उधर एरर के चांस नहीं है, वन मार्कर इज अ वन मार्कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। देयर आर टू स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, प्योर नंबर है, टू स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, टू एंड हाफ स्टूडेंट, राइट, 2.35 स्टूडेंट्स, 2.33 स्टूडेंट, नहीं हो सकता ना, पूरा दो स्टूडेंट होंगे तो पूरे ही दो होंगे, आधे इधर उधर से कटे पटे तो नहीं होंगे ना, तो वो प्योर नंबर हो गया। तो मैं उसको बोल सकता हूं कि वहां पे दो स्टूडेंट्स हैं या 2.0 स्टूडेंट है या 2.00000000, जितने जीरो लगाने लगा दो, सब कंफर्म है, सब 100% कंफर्म है। दो का मतलब दो ही हो सकता है, टू स्टूडेंट का मतलब 2.1 स्टूडेंट नहीं हो सकता, 2.9 स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 2. जितना लिखोगे, जितनी जीरो लगाओगे, सब कंफर्म है। तो कितना हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। प्लस कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, किसी भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो वो कॉन्स्टेंट भी हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टेंट का उन्होंने जो भी साइंटिफिक मेजरमेंट करना था कर लिया और मेजरमेंट करके आपको उसकी वैल्यू दे दी। अब अगर आपको कॉन्स्टेंट को मेजर करके या फाइंड करके या एज्यूम करके अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया है, बोल दिया कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर, आर का वैल्यू हमने मोल कंसेप्ट के टाइम पे पढ़ा था 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, सपोज ये आर का वैल्यू होता है, तो इसमें मैं रूल नहीं लगाऊंगा ये सिग्निफिकेंट ये नॉन सिग्निफिकेंट, सिंपल रूल है, कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, क्लियर है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करो, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करो, एक सरफेस का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। दीज आर द रूल्स फॉर द फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, ऑल 7 रूल्स यू मस्ट बी क्लियर अबाउट, अभी उसको एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस से फिर क्लियर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द राउंडिंग ऑफ, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्चुअली कैलकुलेशन में यूज करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, और उसके फिर रिजल्ट कैसे शो होंगे। अगर मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, फाइनल आंसर है, हाउ शुड आई राइट, वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज को एड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कुछ सिग्निफिकेंट रूल्स अप्लाई होंगे, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल अप्लाई होंगे। तो वहां पे जाने से पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, द फर्स्ट पार्ट वॉज वॉट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट ये है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, उनका राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, ठीक है, और थर्ड जो पार्ट होगा उसमें कैलकुलेशन करेंगे, आ गया ना समझ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। द कंडीशन इज वॉट एवर द नंबर आई विल राइट इन ऑल द कमिंग एग्जाम्पल्स, आई हैव टू राउंड देम ऑफ अप टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ
द फॉलोइंग ऑल मेजरमेंट्स अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे विद एवरी एग्जाम्पल वी विल डिस्कस द रूल। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल्स तो आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले 5.47 ये नंबर दिया हुआ है, इसको 5.4733। तो मुझे पहले तो ये देखना है कि मुझे कहां तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सो आई एम सपोज टू राउंड ऑफ इट अप टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलो तीन कर लो, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है। अगर मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है तो मैं पहले इस डिजिट को देखूंगा, 3 is less than 5। The digits after significant figures, right? देखो वैसे तो इस एग्जाम्पल में सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन मुझे कहा गया कि जो फाइनल आंसर देना है वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। इसका मतलब ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो उसके बाद वाली जो फिगर है 3 वो 5 से कम है, राइट? सो आंसर आ जाएगा, राउंड ऑफ आंसर आ जाएगा 5.47। कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ठीक है, इफ द डिजिट ट्रेलिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिजिट्स ट्रेलिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज लेस देन 5, देन इट शुड बी रिटर्न अनचेंज्ड एज इट इज। दोस्तों राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, हो गया राउंड ऑफ। चलो नेक्स्ट देखो, 5.4773 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है, मतलब ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द डिजिट ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5। डिजिट ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5, तो फिर लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर, लास्ट डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय 1, लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट शुड बी इंक्रीज बाय 1। मैं इसको कैसे लिखूंगा, 5.48 इसको इंक्रीज बाय 1 कर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाले डिजिट अगर 5 से कम है तो एज इट इज लिख दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाले डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा के लिखो, 5 होगी। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाली डिजिट, लास्ट डिजिट, द फर्स्ट डिजिट, सॉरी द फर्स्ट डिजिट आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5, तो क्या करोगे? इफ the digit after significant figure is 5, तो क्या करेंगे? रूल नंबर 1, केस 1, नेक्स्ट डिजिट After 5 is 0, मतलब फिर उस 5 को नहीं देखना, फिर उस 5 के बाद वाली डिजिट देखनी। अगर 5 के बाद वाली डिजिट 0 है तो फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको फिर डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अगर 5 के बाद वाली डिजिट 5 is 0, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 5 इज 0, तो फिर नो चेंज,
समझ रहे हो? मतलब 5.4750 ये नंबर दिया हुआ है। अब मुझे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, उसके बाद वाले डिजिट 5। अगर 5 से कम होगा तो एज इट इज लिख देंगे, 5 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा होगा तो एक बढ़ा देंगे। अगर 5 होगा तो क्या करेंगे, अगर 5 होगा तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर यहां पे कितना है 0। अगर नेक्स्ट नंबर 0 है तो फिर इसको एज इट इज राउंड ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या आएगा 5.47। चलो नेक्स्ट देखो, केस 2। नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 5 इज नॉन जीरो। प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 5 इज नॉन जीरो। अब ध्यान से समझना, इस वाले रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, मैं एग्जांपल लेता हूं। 5.4751, 5.5.46 और 4.451। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको जाना है, कहां तक जाना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। तो यहां पे देखो, ये हो गया आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बराबर है होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट डिजिट 5 से कम होता तो एज इट इज लिख देते, 5 से ज्यादा होता है तो एक बढ़ा के लिख देते। 5 है और उसके 5 के बाद वाला डिजिट 0 होता तो भी एज इट इज लिख देते, लेकिन ये तो 5 के बाद है नॉन जीरो, ये वाली डिजिट 5 है और 5 के बाद क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो में कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, 7 लिख लो, मोर देन 5 लिख लो, लेस देन 5 लिख लो, उससे मतलब नहीं। 5 के बाद वाली डिजिट नॉन जीरो है, वो लेस देन 5 है, मोर देन 5 है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये कितना है 1, मतलब नॉन जीरो। ये कितना है 7, मतलब कितना है नॉन जीरो। तो अब क्या करें, अब ध्यान से सुनना, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑड, लास्ट डिजिट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑड, कब, ध्यान से सुन लो, कर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला डिजिट 5 है और 5 के बाद वाला डिजिट नॉन जीरो है, तब ये रूल अप्लाई होगा। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला डिजिट लेस देन 5 है तो कुछ करना ही नहीं है, मोर देन 5 है तो एक बढ़ा देना है। ठीक है, 5 है और 5 के बाद वाला डिजिट 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एज इट इज लिख देना है। प्रॉब्लम कब आएगी, यही एक रूल याद रखने की जरूरत है कि सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला डिजिट 5 है और 5 के बाद वाला डिजिट नॉन जीरो है, वो लेस देन 5 मोर देन 5 वाला प्रॉब्लम नहीं है, नॉन जीरो है। 5 के बाद वाला डिजिट नॉन जीरो है तो क्या करना है, तो फिर वापस सिग्निफिकेंट फिगर पे आओ और सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट पार्ट देखो, अगर ये वाला पार्ट ऑड है देन इंक्रीज बाय 1, और ये वाला पार्ट अगर इवन है कीप एज इट इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5.44 इज द आंसर और यहां पे कितना हो जाएगा 5.48 इज द आंसर। समझ में आ गया? चलो कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3.443 3.437 3.4450
3.4 और क्या लेते हैं, चलो कुछ और नया बनाते हैं, 3.4351 ठीक है, और 3.4452 आई थिंक इस एग्जांपल में सभी कंडीशंस कवर हो जाएंगे ठीक है। राउंड ऑफ अप टू, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है ठीक है। जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले डिजिट 3, 3 इज लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5 पे तो एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो मतलब कितना जाएगा 3.44 राउंड ऑफ। मोर देन 5 है, मोर देन 5, अगर मोर देन 5 है तो इसको एक बढ़ा दो कितना जाएगा 3.44, 5 है, 5 है और 5 है, 5 के बाद वाली डिजिट देखो 0 है, एज इट इज लिख दो 3.44, 5 के बाद वाली डिजिट नॉन जीरो है, 5 के बाद वाली डिजिट नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है तो देखो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ऑड, ऑड है तो एक बढ़ा दो, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 5 है, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 5 है ठीक है, समझ में नहीं आ रहा बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट 0 नहीं है अभी भी समझ में नहीं आ रहा बढ़ा है नहीं बढ़ा है, फिर नेक्स्ट क्या देखना है, ऑड और इवन ठीक है। जब ऑड और इवन देखा तो पता चला कि ये इवन है, इसको नहीं बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.2, मतलब मैंने जितनी भी डिजिट्स लिखी इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के बाद आंसर कितना आएगा 3.4। सो आई थिंक दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर पार्ट 1, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंट फिगर पार्ट 2 इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इन दैट वी विल डू द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।